could love the world someday. Nobody. हेलो गाइस, मुझे पता है यार काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं। कोई बात नहीं यार, ये जो अरोरा का ट्रेंड चल रहा था, देखते हैं इसको फनी वे में कैसे अपन यूज़ करके क्रिएटिव मीम्स या फनी वीडियो बना सकते हैं। सो वेलकम टू टेक निकी। तो सबसे पहले तो मैंने साउंड के लिए एक रील वीडियो में से साउंड इसका एक्सट्रैक्ट कर लिया था, जिससे कि मुझे म्यूजिक मिल गया इसका बैकग्राउंड का। तो अब जहाँ पर आपको इफेक्ट को यूज़ करना है उस पार्ट को ढूंढ लो। मैं यहाँ पर जो अननेसेसरी पार्ट है उसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब उस सीन पर जाओ जहाँ पर आपको कोई फनी सा पोस्ट मिल रहा हो। देख ये वाला, देखो ये मुझे एकदम ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर मैं गया सीजर वाले ऑप्शन में गया और स्प्लिट एंड इंसर्ट इस फ्रीज फ्रेम पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एज ए पिक्चर ये हमारी टाइमलाइन में आ चुकी है। तो एक और टिप देता हूँ आपको, इसके पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लो और यहाँ पर एक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लाइक इमेज तो रहेगी बट उसका साउंड नहीं जाएगा, साउंड भी आएगा। लाइक मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो आप समझ जाओगे। तो जो चिल्लाने की आवाज़ थी इसी की बात कर रहा था मैं, इससे हमारा मीम और फनी बन जाएगा। अभी जो हमारी फ्रीज फ्रेम थी उसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि कम देर के लिए दिखना चाहिए वो। अब नेक्स्ट पार्ट को मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, दो बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पोज की तरफ जो कि है ये। इसके साथ भी सेम चीज़ करना है। वीडियो पर जाओ, वीडियो पर क्लिक करो, सीजर वाले आइकन पर जाओ और स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम पर क्लिक करना है। सेम वे में इसको भी सेव कर लो। अभी कुछ मत करो, मैं बता रहा हूँ इसके साथ करना है क्या है। अभी अपन सिर्फ टाइमलाइन अरेंज कर रहे हैं, बाद में अपन सब रिप्लेस कर देंगे इमेज को चांद सितारे लगाकर, जो कि ट्रेंड चल रहा है अभी। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर दिया। और हाँ, याद रखना है कि थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन भी बढ़ाना है क्योंकि वो बंद हो जाता है जहाँ पर अपन इमेज को कैप्चर करते हैं वहाँ पर, और जितना चाहिए उतना ही रखना है। बाकी का ऑडियो इसका डिलीट कर देंगे डायलॉग का। अब मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने दो जगह पर और सेम प्रोसेस करी है। तो आप भी कर लेना, जहाँ जहाँ पर आपको जितने भी चाहिए पॉजेस या ब्रेक्स आप लगा लेना। हाँ तो गाइस, आधा काम तो अपना हो गया, अब बस अपने को एक काम और करना है। जहाँ जहाँ पर अपन ने फ्रेम को फ्रीज करा था वहाँ वहाँ पर अपने को वो इफेक्ट लगाना है। ठीक है, वो कर लेते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो आपको बता दूँ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है टेक्निकी करके, उस पर मैं मीम टेम्पलेट्स और न्यू वीडियो की अपडेट्स भी देता रहता हूँ। तो अगर आप मीमर हो या फनी वीडियोस बनाते हो तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लो एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो गाइस। तो अभी उस जगह पर आ जाओ जहाँ पर अपन ने फ्रीज फ्रेम करके छोड़ दिया था। आपको क्या करना है गाइस, पहले उसको सिलेक्ट करना है, पोजीशन सेट कर लो, फिर इसको डी सिलेक्ट कर लो, मतलब कहीं पे और क्लिक करो तो ये छूट जाएगा। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कैप्चर एंड सेव पर क्लिक करना है। तो अभी क्या हुआ, ये हमारी इमेज सेव हो चुकी है हमारे फोन में। अब इसको बंद कर दो काइन मास्टर को और क्रोम ब्राउजर अपना ओपन कर लो। तो यहाँ पर जाकर सर्च करो बैकग्राउंड इरेजर और पहली वाली साइड को ओपन करो। बेसिकली अपने को फोटो को कट करना है एंड यू कैन यूज एनी ऐप फॉर दिस। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको यही साइड पर यूज करना है, बट इसमें जल्दी हो जाता है काम, इसलिए मैं इसी को यूज करता हूँ। तो पिक्सार्ट वगैरह से भी आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपलोड करी थी अपनी फोटो और इसने कट करके दे दी, बस इसको डाउनलोड कर लेना है। अब अपने को गाइस बैकग्राउंड का जुगाड़ करना है। तो बैकग्राउंड यार क्रोम से आप सर्च कर लेना कि बैकग्राउंड फॉर रन अवे अरोरा या बैकग्राउंड ऑफ गैलेक्सीज, मैं हुआ तो लिंक भी दे दूंगा इसकी जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो आ जाओ अपने पिक्सल लैब ऐप में गाइस। अभी इस पार्ट को ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है बट काफी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में टेक्स्ट तो डिलीट कर देना आप। यहाँ पर देखो नीचे फोर्थ वाले ऑप्शन में जाना है और फ्रॉम गैलरी सिलेक्ट करना है। अगर आप फोर्थ वाले ऑप्शन में जा करके फ्रॉम गैलरी सिलेक्ट करते हो अपनी फोटो, तो वो एज ए बैकग्राउंड यहाँ पर सेव होने वाली है, मतलब आपके इमेज का क्या बैकग्राउंड रख रहे हो वो। अब जो मिडिल वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाकर अगर आप फोटो को इंपोर्ट करते हो तो वो एज अ लेयर जितनी भी आप ऐड करोगे वो एज अ लेयर ऐड होने वाली है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कौन सा बैकग्राउंड है कौन सी लेयर है। तो जो कटआउट है इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, सॉरी मैंने गलती सेट कर लिया। पहले मैं चाहता हूँ जो हमारा बैकग्राउंड था उसको मैं एज अ लेयर ऐड करता हूँ, एज अ लेयर। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस आपको ऑप्शन मिलने वाला है रिलेटिव साइज का, इसको जाकर के फुल कर दो तो ये फील हो जाएगी पूरे इसमें इमेज। तब अपने को जो कटआउट थी उसको इंपोर्ट करना है। घबराना मत, अगर इंपोर्ट का ऑप्शन ना है तो ये प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और फ्रॉम गैलरी में से जाना, तो वो भी सेम वर्क करेगा। अब ये कटआउट वाली इमेज को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इसको कुछ नहीं, अपने हाथ से कुछ मत करना गाइस, यहाँ पर से रिलेटिव साइज है इसको फुल करना तो एग्जैक्ट वो जहाँ होना चाहिए था वही पोजीशन पर फिट हो जाएगा। तो जो बैकग्राउंड की लेयर थी अपनी, तो मैंने इसको एज अ लेयर इसीलिए ऐड किया गाइस ताकि आप अपना थोड़ा दिमाग लगा कर और क्रिएटिव चीज़ें कर सके। लाइक यहाँ पर अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी दिखेगा जो ओरिजिनल इमेज का था वो, बट मैं नहीं यूज़ करूँगा, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप भी नहीं चाहते हो वो यूज़ करना तो एज ए बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हो इस इमेज को, खैर छोड़ो वो आपका आपकी चॉइस है। तो अब जो कटआउट वाली इमेज है गाइस उसको अपने को शेडो में कन्वर्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट करो और कलर वाले ऑप्शन में जा करके एनेबल कर दो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रेड कलर सेट हो जाएगा, तो यहाँ पर जा करके ब्लैक कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे ओपेसिटी थोड़ी कम रखना है और ओरिजिनल लुक देना है, तो प्लस वाले आइकन पर बस आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखो नीचे जो ओपेसिटी का ऑप्शन है इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ये चीज़ आपको कोई नहीं बता सकता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। वन मोर रीज़न टू सब्सक्राइब टेक निकी। तो मुझे थोड़ा डार्क चाहिए था, उसमें मैंने डार्क कर लिया सिलेक्ट
और अगर आप चाहो तो स्ट्रोक वगैरह इसमें ऐड कर लो तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने स्ट्रोक एनेबल कर दिया और शेडोज़ भी इसकी एनेबल कर देता हूँ। और फिर बस इसे सेव कर लो और मैं बताता हूँ किस तरह से आप इसको रिप्लेस करोगे अपनी वो फाइल में, काइन मास्टर वाली प्रोजेक्ट में। अपनी काइन मास्टर वाली फाइल को मैंने फिर से ओपन कर लिया। उस जगह पर जाओ, उसके स्टार्टिंग में जाना है गाइस आपको, और लेयर में जा करके अपने जो एडिट करी थी पिक्सल लिप्स है उसको इम्पोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप ध्यान करके मेज़र कर लेना कहाँ तक आपको चाहिए, लाइक इस पर क्लिक करो और एकदम एंड में चले जाओ तो यहीं तक अपने को चाहिए। उसके बाद इसको कट कर लेना और इसको फुल साइज़ पे कर लेना है यहाँ पर से जा करके, एंड दैट्स इट गाइस। अगर आप इसमें चाहो तो फेड इफेक्ट भी आप लगा सकते हो इन एनिमेशन में इसके, तो इस पर क्लिक करो, इन एनिमेशन में जाओ और फेड इफेक्ट लगा दो और एकदम मिनी 0.3 या 0.2 सेकंड सही रहेगा, इससे ज़्यादा मत करना या कम भी मत करना। बाकी जगह भी ऐसे ही आपको करना है, बस बैकग्राउंड आप चाहो तो अलग अलग यूज़ कर लेना। और इसी टाइप के और अमेजिंग क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स आपको देखना है तो अपने चैनल टेक्निक के ऊपर आप विजिट मार सकते हो एक बार, मीम से लेकर क्रिएटिव वीडियो सब मिल जाएंगे वहाँ पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी।